हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे इस तरह की बैटरी ऑपरेटेड इरेज़र जो कि होममेड होगी, और ये है डर्वेंट की, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इस तरह की इरेजर्स को डिटेलिंग के लिए, हाइलाइट्स के लिए। और लाइक आप यहाँ पे इस आर्टवर्क में देख रहे होंगे, जो आपको ज्वेलरी वाला वर्क दिख रहा है वो काफ़ी ईजी हो जाता है इस तरह की इरेजर से। और भी आप कहीं कहीं पे ब्राइट हाइलाइट्स अगर चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक अगर आप ये वाली आर्टवर्क देखोगे जो कि महेंद्र सिंह धोनी की है, यहाँ पे आइज़ के अंदर आपको जो वाइट स्पॉट दिख रहा है उस तरह की हाइलाइट्स को आप अचीव कर सकते हो इस तरह की बैटरी इरेजर्स को यूज़ करते हुए। सो आज हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से इसे घर पर बना सकते हैं बिल्कुल कम कॉस्ट पर, और कितना कॉस्ट आपका आएगा वो आप देखोगे वीडियो में। सो लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को, अब स्टार्ट करते इस वीडियो को। सो सबसे पहले आपको चाहिए कुछ इस तरह की एक मोटर, जो कि आपको 20 रुपए के आसपास मिल जाएगी शॉप पे, इलेक्ट्रिकल वाली शॉप पे। सो आप वो ले लें, और इस तरह की हाई वॉट 9 वोल्ट की बैटरी आपको एक ले लेनी है जो कि आपको 30 रुपीज़ की मिल जाएगी, और इस तरह का एक कनेक्टर जो कि 5 रुपए का। सो ये दोनों 35 रुपए में आपको मिल जाएंगे, और बैटरी 20, सो टोटल 55 रुपीज़ में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और इस तरह से कुछ वायर्स आपको मिल जाएगी साथ में। सो सिर्फ हमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके हम बना सकते घर पर बैटरी ऑपरेटेड इरेजर। और थोड़ा सा आप फिनिशिंग के लिए इस तरह की अल्मोनियम फॉइल का हम यूज़ करेंगे, और थोड़ी बहुत हम रबर बैंड का यूज़ करेंगे, वो कहाँ करेंगे वो आप वीडियो में देखोगे। और इसके साथ में यूज़ करूँगा एक इस तरह की छोटी सी इरेजर जो हम मोटर के आगे लगाएंगे, जिससे हम इरेज कर पाएंगे अच्छी तरह से। और लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की इरेजर आप अच्छी तरीके से कट कर लें। और इसके बाद आपको छोटा सा थर्मोकोल का टुकड़ा चाहिए, वो भी मैं बताऊँगा किस लिए चाहिए। और लास्ट आपको चाहिए एक इस तरह की टेप, जो कि हम प्रॉपर फिनिशिंग और उसे रोल करने के लिए यूज़ करेंगे। और एक हमें चाहिए छोटा सा स्विच, ये भी आपको मार्केट में ही मिल जाएगा 5 रुपए का। सो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, और इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बनाएंगे अपनी बैटरी ऑपरेटेड इरेजर। सो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया, अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आपको जो स्विच है वो ज़रूर लगाना है, क्योंकि आपको सर्किट को ब्रेक करना होगा, नहीं तो मोटर आपकी हमेशा रन करती रहेगी। सो सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम इस तरह के स्विच का यूज़ करेंगे। सो मैंने एक साइड पे इस तरह से वायर लगा दी है, और दूसरे साइड पे भी हम छोटी सी वायर को इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको जब यूज़ नहीं करनी है आपकी इरेजर, तो आप स्विच को ऑन कर दें तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और उससे जो करंट फ्लो है वो बंद हो जाएगा। सो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि जो भी आपने ख़रीदा है मार्केट से, उस पर आपको स्विच इस तरह से लगा देना है कनेक्टर के ऊपर। तो ये था हमारा कनेक्टर। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी बैटरी है उस पर आपको जो टर्मिनल्स दिख रहे होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उसे कनेक्ट कर देना इस कनेक्टर के साथ। सो छोटा वाला जाएगा बड़े वाले में, और बड़ा वाला जाएगा छोटे वाले में। सो इस तरह से ये बटन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सो आपको पुश करके इसे बंद कर देना है। सो इस तरह से ये आपका कुछ हो चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपकी इरेजर, सॉरी जो मोटर है उसे कनेक्ट करना है। सो मोटर को आप यहाँ पे इन टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं यहाँ पे सोल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सोल्डिंग आयरन अवेलेबल नहीं थी। बट अगर आपको इसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना तब सोल्डिंग ज़रूर करें, नहीं तो आपकी वायर्स हिल सकती है। सो इस मोटर वाले पार्ट में भी आपको सोल्डिंग ज़रूर करनी है, और जो स्विच वाला पार्ट था वहाँ मैंने वायर्स को कनेक्ट किया था वहाँ पे भी आपको सोल्डिंग ज़रूर करनी है। अगर आप सोल्डिंग नहीं करोगे तो आपकी जो ये सारा अरेंजमेंट ये हिल सकता है। सो सोल्डिंग ज़रूर करें किसी भी हाल में। सो आप अपने आसपास की शॉप पे ले जा सकते हो इस तरह से कनेक्ट करने के बाद, और उन्हें कहे कि थोड़ी सी यहाँ पर सोल्डिंग कर दें। सो 5 रुपये या 10 रुपये लेंगे, या फिर नहीं भी ले सकते और सोल्डिंग कर देंगे। और उसके बाद आपको इस तरह से जो इरेजर है हमने छोटी सी कट करके रखी है, वो आपको मोटर के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। और उसके बाद आप देखोगे कि अभी फ़िलहाल हमारी मोटर चल नहीं रही, बट जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे तो आप देखोगे कि मोटर रोटेट करने लग जाएगी। सो इस तरह से हमारा जो मेन चीज़ था वो बन चुकी है। अब हम इसे सिंप्लीफाइड तरीके से अरेंज किस तरह से करेंगे कि हम हैंडी तरीके से इसे यूज़ कर पाएँ, वो आप देखोगे आप फर्दर वीडियो में। सो इसके लिए मैं क्या क्या चीज़ों का यूज़ करूँगा वो आप देखोगे वीडियो में अभी। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपकी बैटरी है उसके ऊपर आपको वो जो छोटा सा थर्मोकोल का पीस था वो रखना है, जो कि अभी आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा। सो इस तरह से आपको रखना है, और बीच में हल्का सा होल जैसा कर लेना है जिसके अंदर आपकी जो मोटर है वो सही तरीके से फिट हो जाए। सो इस तरह से आपको मोटर को इसके ऊपर रख देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो दो रबर बैंड्स थे उसका यूज़ करेंगे इसे प्रॉपर इस पोजिशन में फिक्स करने के लिए। सो एक को मैं लेफ़्ट साइड से चढ़ाऊँगा और दूसरी को राइट साइड से,
इससे क्या होगा कि आपकी जो फिक्स हो जाएगी एक तरीके से मोटर, हिलेगी नहीं और काफ़ी अच्छा जो आपका बैलेंस है वो भी रहेगा। सो इस तरह से मैंने दोनों साइड से इस तरह से रबर बैंड को लगा दिया है और मैं सिंगल हैंडेड ये बना रहा हूँ इसलिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम भी आई। अगर आप किसी का हेल्प लोगे तो आपको और अच्छे तरीके से आप बना पाओगे। और मेन जो है आपको स्विच में भी सोल्डिंग ज़रूर करनी है, सोल्डिंग ज़रूर करें। मेरे पास सोल्डिंग आयरन नहीं थी इसलिए मैंने नहीं की, बट आप शॉप से ज़रूर सोल्डिंग करवा लें, फिर आपकी ये ज़्यादा दिनों तक टिकेगी। नहीं तो अगर ये हिल गई तो फिर आपको फिर से ओपन करना पड़ेगा। लाइक आप देख सकते हो स्विच ऑन करने पर ये घूम रही है। सो इसके बाद आपको क्या करना है, जो अल्मोनियम फॉइल थी उसका यूज़ करेंगे हम। सो अल्मोनियम फॉइल का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर थोड़ा सा जो शेप है वो एक प्रॉपर बन जाएगा, एक बैलेंस अच्छा रहेगा, आप प्रॉपर तरीके से इसे यूज़ कर पाओगे, हैंडी रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसे यूज़ किया फॉइल को, और फॉइल के यूज़ करने के बाद आपको इसे शेप दे देना है। सो पूरे को एरिया को मैं कवर कर दूंगा इस तरह से अल्मोनियम फॉइल से, और आप देखोगे कि एक जो रेक्टेंगुलर शेप है वो आ जाएगा इसके ऊपर, और जो फॉइल है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इसे पकड़ कर रखती है, प्रॉपर हिलने नहीं देगी, आपकी मूवमेंट कम होगी। और इसके बाद जो स्विच है, स्विच को मैंने बाहर की तरफ ही रखा है। अगर हमारी वायर थोड़ी और लंबी होती तो मैं इसे स्विच को भी एक अच्छी पोजीशन में प्लेस कर सकता था, बट क्योंकि वायर छोटी थी इसलिए मैंने स्विच को यहीं पे लीव कर दिया है। आप अपनी तरफ से अगर चाहो तो और भी इसे बेटर कर सकते हो, क्योंकि मैं सिंगल हैंडेड बना रहा था इसलिए मैंने इसे यहीं पर लीव कर दिया है। और आप देख सकते हो स्विच को ऑन करने पर ये मोटर रोटेट कर रही है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जो टेप है उसे अप्लाई कर देना है चारों तरफ से। टेप अप्लाई करने से क्या बेनिफिट होगा कि ये पूरा जो आपका शेप है वो फिक्स रहेगा एक तरह से, कुछ भी मोटर हिलेगी नहीं या फिर बैटरी वगैरह हिलेगी नहीं, और सारी चीज़ें अपनी पोजीशन में रहेगी। सो मेन जो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है वो ये कि आप जो सोल्डिंग है वो ज़रूर से करें, और जो आपकी रबर बैंड है उसका यूज़ करें, और लास्ट में जो टेप है वो अच्छे से अप्लाई करें जिससे जो मूवमेंट है वो ज़्यादा ना हो पाए और आपका जो इरेजर वो स्टेबल रहे और आप प्रॉपर तरीके से उसे हैंडी तरीके से यूज़ कर पाएँ। सो मेनली यही था, आपने देखा किस तरह से मैंने इसे बनाया है। और ऊपर थोड़ी बहुत अभी और कुछ कुछ टेप्स हम अप्लाई करेंगे, लाइक यहाँ पे। सो यहाँ पे भी हम टेप को अप्लाई कर लेते हैं, और लास्ट में मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करती है। सो यहाँ पे भी मैंने टेप को अप्लाई कर दिया है जिससे एक फिनिश्ड या आपकी बिल्कुल बैटरी ऑपरेटेड इरेजर जो ओरिजिनल होती है कुछ वैसा शेप आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी देखने में भी ये काफ़ी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि बुरी लग रही है। सो इस तरह से जितना भी आप इसे अट्रैक्टिव बनाना चाहो बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टेप्स यूज़ करके या फिर और भी कुछ केस वगैरह इसके ऊपर लगा के। सो मेन जो था वो बन चुका है, और ये देख सकते हो आप ये किस तरह से रोटेट कर रही है, और साउंड भी आप सुन सकते हो। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये आर्टवर्क आप देख रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी हाईलाइट्स अप्लाई कर रखी थी मैंने, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको यूज़ करके यहाँ पर लिप्स पर दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने लिप्स पर यहाँ पर टच किया, आप देख सकते हो थोड़ा सा वहाँ से ग्रेफाइट इसने पिक कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इतना ही यूज़ करके आपको दिखाया है। यहाँ पे मेन जो आइडिया था वो शेयर करना था आप लोगों के साथ, और आप देख सकते हो हाइलाइट्स किस तरह से विजिबल हो रही है। सो जब भी आपको इस तरह की हाइलाइट्स चाहिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, ज्वेलरी पे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ भी आपकी नीड हो आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस बैटरी रेजर को किस तरह से बनाना हो समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि सोल्डिंग ज़रूर करें, तब ये ज़्यादा दिन तक आपके साथ रहेगी। सो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसी और वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।